एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक और राजस्थानी सब्जी, मलाई प्याज की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और फटाफट बन जाती है। घर पे कोई सब्जी ना हो तो जरूर ट्राई करें आप मलाई प्याज की सब्जी। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए लिया है मैंने कुकिंग ऑयल, जो भी आप ऑयल यूज करते हैं वो ले सकते हैं। ये प्याज है जिसको मैंने छील के पानी में भिगो के रखा हुआ है, 3 बड़े साइज के प्याज। ये तड़के में डालने के लिए एक सूखी लाल मिर्च, एक तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी करौंजी और एक चुटकी हींग, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, थोड़ा सा एक चुटकी गरम मसाला, नमक आपके स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच मिर्च और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है जिससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। ये 1 चम्मच करीबन मलाई, फ्रेश मलाई है दूध की, 1 हरी मिर्च जिसको मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट किया है और 1 टेबल स्पून इसमें बेसन है। ट्रिक आपको बता रही हूँ, जब भी आप प्याज छीलें तो उनको पानी में भिगो दें और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक आप ऐड कर दें। इससे प्याज जो स्पाइसी होते हैं वो भी नहीं लगेंगे और प्याज हमारे आसानी से कट जाएंगे, जो प्याज का तिक्खापन होता है वो भी कम हो जाएगा। मैंने प्याज ले लिए हैं, प्याज को किस तरह से कट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैं साइड का पार्ट इसको निकाल दूंगी दोनों प्याज का। प्याज की सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, इजी बनाने का तरीका भी बहुत आसान है और फटाफट बन जाती है। आप इस तरह से प्याज को लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लीजिए। इस तरह से राजस्थान में प्याज की सब्जी बहुत पसंद की जाती है। घर में कोई सब्जी ना हो तो आप प्याज की सब्जी बनाना जरूर ट्राई करें। इसी तरह से हम लंबे लंबे पीसेस में सारे प्याज को कट कर लेते हैं। ये मैंने सारे प्याज काट लिए हैं ऐसे पतले पतले स्लाइसेस और इसको अच्छे से वॉश कर लूंगी, अभी पानी इसका निकाल दूंगी। गैस पे रख दिए मैंने कढ़ाई, इसमें डाला है 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे हमारे मसाले, तेज पत्ता, हींग, करौंजी और साबुत हरी लाल मिर्च जो मैंने ली थी, और थोड़ा सा इसको क्रैकल होने देंगे। जब हमारा जीरा हल्का सा लाल हो जाएगा तब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए जीरा हमारा अच्छे से पक गया है, मैं बहुत ज़्यादा लाल नहीं करती हूँ। अब इसमें मैं डाल दूंगी प्याज हमारे कटे हुए, देखिए प्याज हमने तेल में डाल दिए थे, थोड़ा सा मैंने इसको भून लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और हमारी कटी हुई हरी मिर्च, और उसको 2 मिनट हम हिलाएंगे और हल्का सा इसमें मैं पानी ऐड करूंगी बिल्कुल करीबन 1 चम्मच के बराबर, और उसको 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। और गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं। इसको देखते हैं, ये देखिए नमक हल्दी में अच्छे से ये सब्जी पक रही है, 100% अभी कुक नहीं हुई है। इसमें हम बाकी के मसाले हमारे ऐड कर देंगे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और बेसन। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप लोग जरूर ट्राई करना, और इसको रोटी पराठा मिस्सी रोटी के साथ खाइए, इसका टेस्ट दुगुना हो जाएगा। ये देखिए इसको हिला लिया है मैंने अच्छे से मसालों को। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी फ्रेश मलाई और थोड़ा सा गर्म मसाला, और उसको 2 मिनट लगातार हिलाएंगे तब तक हमारी मलाई मेल्ट हो जाएगी। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी है तो आप लोग जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं मेरी बनाई हुई मलाई प्याज की सब्जी आपको कैसी लगी। ये देखिए ये परफेक्ट हमारी सब्जी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अभी हमारी सब्जी परफेक्ट तैयार हो गई, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम गार्निशिंग कर देंगे इसको फ्रेश हरे धनिए के साथ, और जल्दी हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।